लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद इस वक्त की बड़ी खबर, पेशी के लिए लाया गया हत्या आरोपी बंदी, न्यायालय से सिपाही को चकमा देकर हुआ फरार। थाना मरसेना के न्यायालय परिसर के शाम को जेल में बंद एक विचाराधीन बंदी ऋषि कुमार यादव पुत्र अजब सिंह यादव निवासी चंद्रहंस की मड़ैया थाना नगला खंगर, जो अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोपी है, न्यायालय में वो पेशी के लिए लाया गया था। इस बंदी को पेशी पर लाने वाले आरक्षी महावीर सिंह की मिली भगत से वह भाग गया। फिलहाल इस बंदी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। एसएसपी ने तत्काल सिपाही को सस्पेंड करते हुए हिरासत में ले लिया है और अग्रसर कार्यवाही जारी है। एक बंदी फरार हो गया है, क्या पूरा मामला है? यह प्रकरण थाना मटसेना क्षेत्र अंतर्गत स्थित न्यायालय परिसर का है। इसमें सूचना मिली थी कि एक विचाराधीन बंदी ऋषि कुमार यादव भाग गया है। उस पर तत्काल मौके पर पहुंच के सारी जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि जो आरक्षी महावीर सिंह इसको पेशी पर ले गया था, पेशी की कराने के पश्चात वापस लौटते समय इसको मोबाइल दे करके उसको बात करने के लिए स्वतंत्र कर दिया था। उसी का फ़ायदा उठाकर यह बंदी वहां से भाग गया। इस घटना के 1.5 घंटे के बाद इस आरक्षी महावीर सिंह ने सूचना दी, उसके तत्काल बाद ये सारी कार्यवाहियां प्रारंभ की गई। जानकारी पे पता चला है कि यह विचाराधीन बंदी ऋषि कुमार यादव थाना नगला खंगर क्षेत्र का रहने वाला है और अपनी ही पत्नी की हत्या के आरोप में फिरोजाबाद जेल में निरुद्ध था। इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तलब की जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया इस आरक्षी महावीर सिंह का दोष और मिलीभगत परिलक्षित हो रहा है, जिसके चलते इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही साथ इसको हिरासत में ले लिया गया है और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। साथ ही साथ 3 टीमें गठित की गई हैं ताकि इस भागे हुए विचाराधीन बंदी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए टीमें काम कर रही हैं। पूरे मामले की जांच की जाएगी, विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।